बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्सा हैंडमेड रेसिपीज। अल्लाह पाक आपको इसके हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी का मिक्सचर तैयार करने के लिए जग में आधा किलो दही डालेंगे। दही डालने के बाद एक कप बेसन डाल लेंगे, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। कवर करने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा कड़ी का मिक्सचर तैयार है। फ्लेम ऑन करेंगे और सारा मिक्सचर एक बर्तन में डाल लेंगे। मिक्सचर डालने के बाद इसको व्यूअर्स हम 30 से 40 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। व्यूअर्स कड़ी पक चुकी है, अब फ्लेम कम कर लेंगे और इसमें पकोड़े जो मैंने पहले से तैयार करके रखे थे वो इसमें डाल लेंगे। पकौड़े डालने के बाद व्यूअर्स इसको मज़ीद लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर में इसका तड़का तैयार कर लेंगे। चुटकी भर नमक, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा। इन चीज़ों को डालने के बाद अब इसको एक साइड पर रख लेंगे। पैन में 5 से 6 टेबल स्पून घी डालेंगे, 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद इसमें साबुत 7 लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारा तड़का तैयार है। तैयार की हुई कड़ी में इसको डाल लेंगे। अब इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।